हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. इज दिस ऑल ऑफ यू हियर? एनीवन हैव अ डाउट? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. इज ऑल ऑफ यू देयर? हेलो. यस, इज एवरीवन इज हियर? यस, इज एवरीवन इज हियर? मे बी सम नेटवर्क इशू इज देयर. हेलो 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 यस, वेर आर यू? लेक्चर इज गोइंग ऑन डियर. वेर आर यू एवरीवन? हाय रीटा, गुड इवनिंग. इज ओनली यू आर प्रेजेंट टुडे डियर? व्हाट्स गोइंग ऑन? वेयर इज अदर? ओके, सो
चल लेट वी स्टार्ट रीटा टुडे. वी आर ऑलरेडी इट इज वेटिंग फॉर द 10 मिनट्स. सो लेट वी स्टार्ट. आर यू हियर मी प्रॉपरली डियर रीटा? आप मुझे सुन पा रही हो? ओके सो लेट वी स्टार्ट डियर. टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑडिटिंग कंसेप्ट. ऑडिटिंग क्या होता है आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो ऑडिटिंग के लिए हमको क्या करना है डियर? पहले तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि ऑडिटिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को एक्चुअली ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है. ठीक है, कितनी चीजें राइट है, कितनी चीजें रॉन्ग है, कौन सा ट्रांजेक्शन राइट जा रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन रॉन्ग जा रहा है, किस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है. वी शुड हैव टू बी वॉच इट ओवर देयर. सो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटिंग? तो सब में पहला आ जाता है फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है, पार्ट बी. पार्ट ए में हमने क्या किया था? अकाउंटिंग कंसेप्ट देखा था. पार्ट बी में हम क्या देखने जा रहे हैं? ऑडिटिंग का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं. ओके तो यहाँ देखो, अभी आपको यस रुकमणि गुड इवनिंग. अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट किया है मैंने. आज आप लोग थोड़ा सा लेट हो गया, नॉट एन इश्यू, हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो लेट वी स्टार्ट. द फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिटिंग? पहले तो हमको ऑडिटिंग का मतलब अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. ओके तो ऑडिटिंग है, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू गिव अ प्रेसिस डिफिनेशंस ऑफ अ वर्ड ऑडिट इन आर टू इन वर्ड और टू. देखो हम लोगों को पहले तो ये ऑडिटिंग मतलब क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ. ऑडिटिंग मतलब ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज राइट हुई, क्या चीज रॉन्ग हुई, उसको वेरीफाई करना. क्या करना? उसको वेरीफाई करना. फाइनेंशियल पोजिशन डिस्क्लोजर बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस. जो भी सामने वाला हम लोगों को रिकॉर्ड दे रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे रहा है, वो राइट है, रॉन्ग है, प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो हमको क्या करना है? चेक करना है, रेक्टिफाई करना है. ओके द फॉलोइंग आर द सम डेफिनेशन बाय द ऑडिटर गिवन द सम राइटर. ये कुछ ऑडिटिंग के लिए जो ऑथर्स है उन्होंने हम लोगों को क्या दिए हैं? नेम दिया है. ओके जिन्होंने हम लोगों को डेफिनेशन दिया, तो पहले लॉरेंस आर डिक्सी और ये जो टेलर्स है, टेलर एंड पेरी, इन दोनों की डेफिनेशन के ऊपर क्या किया गया? ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन पूछा गया. इज दिस क्लियर? देखो इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ऑन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरटेकन विद द व्यू एस्टैब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन और विच दे आर प्रपोर्ट टू द रिलेटेड. ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं, जो भी हमारे पास आए हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, विद द व्यू एस्टैब्लिश वेदर द करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, क्या ये सच्चे और सही है? द ट्रांजेक्शन टू विच द प्रॉपर टू रिलेटेड, क्या ये रिलेटेड अकाउंट जो है प्रॉपर वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? वी शुड हैव टू बी रेक्टिफाइड. ओके अब टेलर एंड पैरी, व्हाट दे आर सेइंग, द ऑडिट इज डिफाइंड एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सम स्टेटमेंट ऑफ अ फिगर इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन. हम लोग को जो भी उसके अंदर न्यूमरिकल फिगर्स दिए हैं, सर्टन एविडेंस दिए हैं, एज टू एनेबल एन ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट. अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग के सामने पूरा के पूरा बैलेंस शीट लाके दे दी जाती है, जैसा कि बैंकिंग में ज्यादातर होता है. ठीक है, पूरे साल भर का रिकॉर्ड हमारे सामने रख दिया जाता है, बैलेंस शीट का प्रॉपरली एक मेंटेन करके दे दिया जाता है और पूरे प्रूफ दे दिए जाते हैं, यानी वो बिल बुक्स एंड ऑल दिस थिंग, और कहा जाता है कि मैं सर आप ये सारी चीजें प्रॉपर है, आप अपना जो है सिग्नेचर करके दे दो. तो ये राइट होता है कि रॉन्ग होता है? इट इज अ करेक्ट रॉन्ग. तो ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट होता है इन्वेस्टिगेट करना कि जो इन्वॉल्वमेंट जो अमाउंट इन लोगों ने बता रहे वो राइट पोजिशन पे जाता है या नहीं जाता है. ठीक है, उसके बाद आता है गुड इवनिंग मंजू. आज आप लोग थोड़े थोड़े एक 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 लेट आ रहे हो. एवरीथिंग इज फाइन? ओके सो अभी मैंने लेक्चर जस्ट राइट नाउ ही स्टार्ट किया है. व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग मीन्स व्हाट? कि हम लोग को चेक एंड वेरीफाई, टू चेक एंड वेरीफाई द स्टेटमेंट, द एविडेंस, द रिपोर्ट विच इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रू और फेयर. ये हम लोग को क्या करना है? चेक करना है. वी शुड हैव टू रेक्टिफाई द फर्दर डिटेल द रिगार्डिंग द मैनेजर, द डायरेक्टर, दोज हु आर प्रेजेंटिंग द एविडेंस टू अस, इट इज करेक्टली ऑर्गेनाइज और करेक्टली एस्टैब्लिश और नॉट. कि हमारे सामने जो भी चीजें रख दी गई है वो प्रॉपर वे में है या नहीं है. कभी कभी हमको दिखाने के लिए प्रॉपर वे में पूरा स्टेटमेंट ऐसा पूरा ऐसा परफेक्टली मेंटेन कर दिया जाता है. ऑडिटर हैव टू बी जस्ट कंफ्यूज अबाउट इट कि यार ये सारी चीजें राइट जा रही है रॉन्ग.
but it is a work of an auditor to check and verify all the detail by the pin drop. Okay, pin drop की जैसे हम लोग को एक छोटी छोटी चीजें भी क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए. इज एम आई ऑडिबल टू यू? मंजू, रुक्मणी, रीटा, आर यू हियर मी? इज दिस क्लियर द कंसेप्ट रिगार्डिंग अ लॉरेंस डिक्सी एंड टेलर पेरी? ये जो यस ओके, अब यहां पर आ जाते हैं. यहां पर नेक्स्ट स्टेप है हमारा 322. ये क्या है, उसका सेक्शन दे दिया, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. तो एग्जिबिट अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ अ स्टेट. कैन वी होल्ड फॉर द 2 मिनट्स फॉर द अजान? सो चलो लेट वी स्टार्ट. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड लेट वी स्टार्ट. देख लीजिए अभी हम स्टार्ट करते हैं टू एग्जिबिट अ ट्रू. थैंक यू वेरी मच मंजू एंड रीटा एंड रुक्मणी. टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ अ स्टेट ऑफ अफेयर द पर्टिकुलर कंसर्न अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू द हिम एंड एज शोन इन द बुक. देखो हम लोगों को क्या करना है, एग्जिबिट अ ट्रू यानी हम लोग को चेक करना है कि जो दिया हुआ है वो सही है, करेक्ट व्यू में है. स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न, जो भी हमको दिखाया जा रहा है ये सब चीजें प्रॉपर वे में जा रही है या नहीं, ठीक है. उसके बाद एक और एक प्रोफेसर है मॉन्टेगोमेरी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ बुक एंड अकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन और वेरीफाई टू द रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड द रिजल्ट ऑफ दैट. ओके, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे ऑफ द बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस और द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन अ वेरीफाई एंड द रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट रिगार्डिंग अ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड द रिजल्ट देयर ऑफ. ठीक है, तो हम हमारे रिजल्ट देयर ऑफ के बेस पे क्या करेंगे, इन सबको सॉर्ट आउट करेंगे कि हमको रिजल्ट देना है. देखो हम लोग को कोई भी वर्क दिया गया है, इफ यू आर गोइंग टू बी द टीचर, अगर हम टीचर्स हैं, ठीक है, एक एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हमारे पास क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर पेपर्स आते हैं चेक ऑफ वेरीफाई करने के साथ. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनसे अगर हमने पूछा, रहे मैम पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत अच्छा गया, बट स्टिल उसके अंदर उन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो राइट लिखा है क्या, मार्क्सिंग के क्राइटेरिया पे वो बैठा है क्या. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑडिटर. ऑडिटर क्या करता है, जब उसके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगता है उसको बता दिया जाता है, अरे ये साल का इतना खर्चा हुआ, इतनी तीन इनकम आई, लेकिन जो भी हम बता रहे इनकम प्रूफ और जो भी वो एक्सपेंसेस बता रहे हैं वो ट्रू और फेयर है क्या. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ जितनी इनकम आपकी आई है उसमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ऑफिशियल एक्सपेंसेस में मिक्सअप तो नहीं कर दिया, तो उसका क्या करना है, स्क्रूटिनाइज करना, ये किसका काम है, ऑडिटर का काम है. अच्छा, ऑडिटर जो होता है दो तरह के ऑडिटिंग करता है, एक इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट. व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल ऑडिट, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटर्नल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट वो होती है वेदर वी आर जस्ट ऑन द फैक्ट्री प्रोसेस, फैक्ट्री के अंदर कितना माल आया, कौन कौन सा माल रॉ मटेरियल में है, कौन सा ऑब्जर्वेशन में है, कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा आया, दैट काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिट जो पेपर वर्क के ऊपर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द एक न्यूमेरिकल टर्म्स में जो दिया जाता है उसको हमको क्या करना है, स्क्रूटिनाइज करना, इट इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल ऑडिट. ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर्स पे, ठीक है. फ्यूचर्स ऑफ ऑडिटिंग का मतलब होता है
ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन. एक सिस्टमैटिक है और एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन है ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस. सिंपल है कि हमको क्या करना है. ये एक क्वेश्चन आ सकता है, एक 2018 या 2019 के बेस पर क्वेश्चन आ गया था. ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन, तो उसको लोगों ने कंफ्यूजन में आकर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिख दिया था. ओके सॉरी, अकाउंटिंग बेस है बट वो क्या है, साइंटिफिकली हम लोग क्या करें, उसको एग्जामिन करें. ऑडिट इज अ अंडरटेक बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन और द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब. ये क्या करता है, एक अंडरटेक करता है इंडिपेंडेंट पर्सन को और द बॉडी ऑफ अ पर्सन को हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, कि वो जो चीज के लिए ड्यूली क्वालिफाइड है कि नहीं. ठीक है. ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ अ रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर शोन बाय द बैलेंस शीट. ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपने दिया है वो चेक करेगा और उसके बाद बैलेंस शीट को चेक करेगा. ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अ सिस्टमैटिकल अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. ये क्रिटिकल होता है हम लोग को ऑब्जर्व करना, रिव्यू करना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और इंटरनल कंट्रोल. जो अकाउंट को हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इंटरनली उसके ऊपर जो कंट्रोल हो रहा है, उन दोनों का अगर हमको मैच करने जाना होता है तो देखो कभी कभी ऑफिस में जैसा हमारी स्कूल्स वगैरह में इंस्पेक्शन होते हैं, क्या अरे बाबा इंस्पेक्शन आने वाला है तो बी रेडी, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट से कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये टीचर का पढ़ाना आपको एक अंडरस्टूड है या नहीं है. डेट काइंड ऑफ डिटेल्स आर स्क्रूटिनाइज ऑन द इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, तो ये चीजें होती है. और उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, उनकी इतनी फीस आ रही है, उनके ऊपर इतना कल्चरल एक्टिविटी में इतना खर्चा हो गया और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना खर्चा हो गया. तो ये सारे बिकॉज आई एम रिलेटेड और टच विद द स्कूल कंसर्न, तो सारे ज्यादातर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बी गिव यू लाइक अ स्कूल सेक्शन. एंड ऑल्सो फॉर द फैक्चुअल अगर आपको देखना है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. ठीक है, तो उनके जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होते हैं, अपनी जो स्टेटमेंट होता है साल का एंडिंग में बैलेंस शीट जो रिकॉर्ड होता है या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है, बिकॉज द शेयर होल्डर आर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन देयर फर्म, तो उनको भी तो पता होना चाहिए ना. अभी जैसे मैंने अगर एक 10 रुपए का भी शेयर किसी कंपनी में लिया है तो आई ऑल्सो नो डेट, मुझे उसको ऑब्जर्व करना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है कितना नहीं. तो उनकी सारी डिटेल हमको वेबसाइट पे उनके जगह मिल जाती है. तो एग्जैक्टली हमको इंटरनल, अभी हमने पेपर वर्क पे जो देखा और इंटरनली वो जो काम हो रहा है वहां जाके देखने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट. हो सकता है कि सिमिलर हो, रेयरली 10-20% जो ट्रांजेक्शन हमको दिखाए जाते हैं इंटरनली जो होते हैं वो एकदम करेक्ट और फैक्चुअल होते हैं. लॉट ऑफ द टाइम 80% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे पीछे होता है. ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वाउचर. ऑडिट हम किसकी तरफ से देख के कर सकते हैं, वाउचर की तरफ से, डॉक्यूमेंट की तरफ से, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज. जो भी हमको वाउचर सामने दे दिए जाएगी, डॉक्यूमेंट दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा. अभी मैंने पूछा कि 2 जून को 10,000 रुपए का खर्चा बता रहा है, ये 10,000 का खर्चा मैं जान सकता हूँ कहाँ पे हुआ, किस लिए हुआ, यहाँ पर इसकी नीड क्यों थी, ऑडिटर ही क्वेश्चन कर सकता है. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अरे सर ये 2 महीने पुरानी बात थी भूल जाओ ना, ऐसे नहीं हो सकता. वी शुड हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द एवरी मंथ. ओके, हमको इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए. द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिकलिटी एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दैट दे आर एग्जिबिट अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ अ कंसर्न. वाउचर बेटा, रिसिप्ट और वाउचर होता है. रिसिप्ट मतलब जब हम पेमेंट लेते हैं ना, इज दिस क्लियर, तो हमको रिसिप्ट मिलता है. हम सामने वाले को अगर कोई चीज पे कर रहे हैं तो हम एक वाउचर बनाते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको कोई चीज पेमेंट दिया तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने, जैसा हम सैलरी देते हैं ना, तो हमारे लिए वो सैलरी क्या हो जाती है, रिसिप्ट हो जाती है, क्योंकि हमको मिलती है, हमारे पास प्रूफ होता है. तो वैसे ही जब स्कूल वाले देते हैं या सामने वाला देता है तो एक वो वाउचर बनाएगा, इट इज काइंड ऑफ अ पेपर. लेकिन जब हम लेते हैं तो वो रिसिप्ट हो जाता है, जब हम देते हैं तो वो वाउचर कहलाता है. इज दिस क्लियर? यस, टाइप ऑफ अ बिल. लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिसिप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वाउचर. इज दिस क्लियर? Yes, bill, yes, slip. Now, the auditor has to satisfy himself with the authenticity of a financial statement and report their exhibit the true and fair view
ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ अ कंसर्न. जो भी चीजें मैंने बताया ना वो सही है या करेक्ट है, ये एक ही बात को बार 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 क्या करेगा, रिपीट करेगा. वी शुड नो डेट टू रेक्टिफाई और स्क्रूटिनाइज वट एवर द इंफॉर्मेशन आर गिवन इट इज अ ट्रू और फेयर. ये हमको चेक करना. द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर करना है, इंस्पेक्ट करना है, कंपेयर करना है, चेक करना है, रिव्यूज लेने हैं, स्क्रूटिनाइज करना है द वाउचर एंड सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन एंड एग्जामिंग अ करेस्पॉन्डेंस. मिनट बुक ऑफ अ शेयर होल्डर, ठीक है, डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट. व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, ऑडिट में से वाउचर बोलेंगे, जो बिल होता है लेने और देने वाला, तो जब वो चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट मुझे ये बता सकता है कोई चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? एनीवन नो दैट? मंजू, रीटा, रुक्मणी, आप तीनों हो, मुझे आप बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द MOM और AOA? नाम सुना होगा आपने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बहुत बेसिक है, बहुत इजी है और इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके ऊपर 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर है? यानी ऑडिट में अगर आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो और दो चार मार्क्स के, तो वो यही बेस पर आता है. कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं जिसमें, हाँ लेकिन कौन से, मतलब ठीक है मंजू ने बताया, देखो मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ. What do you mean by the memorandum of association? First, we are going to be node it. Whether the company are going to be incorporate. जब company start होने जाती है, तब हम एक paper work पे rules, regulation and systematical approach बना देते हैं कि company को ये चीजें ये follow करना है. इस procedure से company जाएगी, इतना इसका quotation होगा, इतने महीने में इतना run करेगी और इतने ही बेस पर वो इतने एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंट कर सकती है, यहाँ यहाँ इसके ब्रांचेस ओपन हो सकते हैं, इतना यानी सारी डिटेल स्टार्ट होने के पहले जो भी क्राइटेरिया उसको करना है, जो भी विजन्स उसका है, वो जो पेपर पे मेन करेगा, इट इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. विजन यानी हम जो दिखा रहे हैं कि हमको ये करना है, विजन मतलब दिखाना, जो हम दिखा रहे हैं कि हमको ये करना है, सो वो एक पेपर वर्क में हमने एक रूल्स बना के रख दे दिया, तो इट इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देखो आप लोगों ने स्कूल में स्टूडेंट के पास कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में विजन होता है कि आज हमारी स्कूल का ये रूल है, यूनिफॉर्म कंपलसरी है, शूज ब्लैक शूज कंपलसरी है, आफ्टर रेनी शूज, रेन के टाइम में रेन शूज कंपलसरी है, दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज बिफोर द एकेडमिक ईयर. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फर्स्ट डे दे दिया एज अ कैलेंडर में मेंशन करके, सो दैट काइंड ऑफ इट्स कॉल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सम काइंड ऑफ चेंजेस आर ऑकर्ड. ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने जो डिसाइड कर लिया वही चलेगा, क्लाइमेटिकल चेंजेस आ सकते हैं, चॉइसेस में चेंजेस आ सकते हैं, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंजेस आ सकते हैं, लोगों की डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स में चेंजेस आ सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस इफ वी आर ऑकर्ड और फेसिंग, सो वी आर जस्ट चेंजिंग अ सम क्राइटेरिया. ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक का लूंगी, लेकिन फॉग ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट का रूल हो गया कि 4 घंटे रहेगा. इज दिस क्लियर? दिल्ली में ज्यादातर होता है 4 घंटे का होगा, तो कंपनी ने डिसाइड किया था कि 8 घंटा काम करना है, 8 घंटे के हिसाब से ये चीजें हम लोग को बनानी है, लेकिन अभी फॉग आने की वजह से, कुछ क्राइटेरिया आ जाने की वजह से हमने क्या कर दिया, 4 घंटे का ड्यूटी ले लिया. सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस वी शुड हैव टू बी मेंशन ऑन द वन पेपर वर्क, इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, कंपनी के मिड ऑफ द ईयर में अगर कुछ चेंजेस आने की वजह से कोई चीजों में चेंजेस आ गए, वो चेंजेस का रिकॉर्ड वी आर गोइंग टू बी मेंटेन, इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इज दिस क्लियर? इजी. अब अगर आपको कोई भी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू कैन गिव द आंसर इजिली. और यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. अभी मैंने आपको बताया, देखो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट. व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल ऑडिट? समझ लो हम एक फैक्ट्री में जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए. लाइक मेरे पास बिस्लेरी वाटर है सामने अभी रखा हुआ,
तो बिस्लेरी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मुझे पता चला है कि बिस्लेरी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, तो मुझे ऑब्जर्वेशन करने जाना है। ऑडिटर के हिसाब से लास्ट 5 साल में तो वो प्रॉफिट कर रही थी, ये साल वो लॉस में क्यों जा रही है? तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले इंटरनल कंट्रोल पे जाके चेक करेगा कि क्वालिटी में चेंजेस आ रहा है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड में प्रॉब्लम आ रही है, या बेसिकली प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस, यानी वहां पर जाके ऑब्जर्वेशन करना, इट इज कॉल्ड अ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, फील्ड वर्क पर जाके रेक्टिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इट इज कॉल्ड अ इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट पेपर वर्क पे सारी चीजें दे दी गई है, उसका कैलकुलेशन मिक्स मैच करना कि बाबा तुम्हारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ये बता रहा है, लेकिन 10,000 का रिफ्लेक्शन मुझे मिला है, लाखों रुपए के क्या हो जाते हैं एट द एंड ऑफ। देखो, मार्च का एंडिंग जो बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्टेड एज ऑन अप्रैल एंड एंडेड विद द मार्च। आपने सुना होगा कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ मार्च, अरे क्लोजिंग चल रहा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, क्लोजिंग चल रहा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। बैंकिंग में 1 महीना पहले से नोटिस आ जाता है कि क्लोजिंग होगा, जो भी अकाउंट न्यू ओपन करने वाले 1 महीने के बाद आओ, 15 दिन के बाद, और जो भी कुछ करना है आप 15 दिन के बाद करेंगे। क्यों? अभी ऑडिटर हमारे सर पर आ जाएगा, वी शुड हैव टू बी गिव द फुल ईयर इंफॉर्मेशन टू हिम। ठीक है, वो ऑडिटर उनके लिए क्या हो जाता है, एक हिटलर टाइप में हो जाता है जो उनकी ऑब्जर्वेशन करने आता है। इज दिस क्लियर? अगर ऑडिटर के बारे में याद रखना हो तो अजय देवगन की मूवी आई थी ना, वो उसके ऊपर रेट माने जाता है। ठीक है, उसे घर में जाता है, पूरा चेक करता है, पेपर वर्क पे इतना ट्रांजेक्शन दिखाता है, पेपर वर्क की तरफ से उनको डाउट जाता है, मुझे मूवीज के नाम याद नहीं है। वो जाता है उसके घर पर, अपनी वाइफ के ही मतलब फैमिली इन लॉस के घर पे ही जाकर वो करता है, रेट मारता है, पूरी नाइट भर चलती है, 2 दिन तक चलते हैं, देन आफ्टर वर्ड वो दीवारों में से सोना निकलता है एंड ऑल दिस थिंग। इज दिस क्लियर? तो उस तरह का काम क्या करता है वो, इंटरनल ऑडिट हो गया। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब पेपर वर्क पे करना। इज दिस क्लियर? आर्टिकल, अभी समझ लो साल भर के अंदर मैंने एक साल भर का क्राइटेरिया बनाया। देखो, अभी जैसे हमारा न्यू स्टार्ट हुआ है, आपने कोर्स लिया 15, समझ लो एक 3 महीने का आपने कोर्स ले लिया, जून तक हमारा सिलेबस क्लियर करना है। कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ गया, कभी कभी पहले हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए, 15 3 महीने तक हमको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, 3 महीने तक हम लोग को चैप्टर वाइज ऐसे इतने लेक्चर लेने हैं, ये कैलोकेशन रिकॉर्ड बन गया जब हमने आपका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर हमने आर्टिकल मीन्स मेमोरेंडम में जब कोई चेंज, यस, सुनो मैं बता रही हूँ, अब मैंने ये मेमोरेंडम बना लिया था, अब साल भर के बीच में, अभी 3 महीने के बीच में रमजान आ गया, उसके बाद लाइट का इश्यू आ गया, उसके बाद करंट का इश्यू आ गया, उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए, तो ये सब चीजें बीच बीच में आ गई, उसके वजह से हमारे जो लेक्चर का एलोकेशन था वो क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, यानी चेंजेस आ गए। जहां मुझे वीक में आपके 3 लेक्चर लेने थे, वहां नहीं 5 लेक्चर लेने थे, मैंने आपके कितने ले लिए, 3 लेक्चर ले लिए। तो सम काइंड ऑफ चेंजेस आर ऑकर्ड विच वी आर गोइंग टू बी कीप रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज दिस क्लियर रुक्मणी? मैंने सब में अच्छे एग्जाम्पल आपको दिल्ली को लेकर दिया था कि दिल्ली में जो भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उनका एक मेमोरेंडम बन जाता है कि हम आपको ये देंगे, स्कूल का एकेडमिक ईयर बन जाता है कि ये देंगे, लेकिन एज पर द रेनी सीजन और दिसंबर, दिसंबर के मंथ में मैक्सिमम टू एक रेनी सीजन, और रेनी सीजन के बाद मैक्सिमम हॉलीडेज उनको कहाँ पे मिल जाती है, विंटर सीजन में मिल जाती है। तो विंटर सीजन में आने की वजह से सब चीजों पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट आ जाता है, जो काम हम लोगों को महीने भर में निकालना था वो हमको 1.5 महीने में निकालना पड़ता है। तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेस्ट एग्जाम्पल कोविड सिचुएशन आ गई थी हमारे लिए, सिंपल है, कोविड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल बेस्ड सिस्टम टू अस, के अगर एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, न्यू कंपनी स्टार्ट हुई थी, कोविड सिचुएशन की वजह से चेंजेस आ गए, सिंपल है। एनी डाउट रुकमणी? हाँ, मूवी का नाम रेडी था, इस क्लियर रेड, अभी क्लियर है रुकमणी? ओके, सो ये थी हमारी फ्यूचर्स, ये चीजें हो गई थी। ओके, एंड शो इस पे करने दो, किप। अच्छा, मुझे और आपको एक दो चीजें आपको बतानी है इसमें। अभी फ्यूचर्स ऑफ ऑडिटिंग था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको अभी लेके दे देती हूँ।
एक सेकेंड होल्ड करना डियर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये मुझे आपको बताना था। बिकॉज ऑफ डैट के टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कहीं ना कहीं। चलो अब हम कर लेते हैं हमारे सिस्टमैटिकल ऑपरेट को। नाउ मैम स्लाइड जूम रखिए प्लीज। यस मैं कर रही हूँ डियर, डोंट यू वरी। एज पर द सेक्शन अभी देखो हम लोगों को दो ऑब्जेक्टिव देखने हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। देर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, प्लीज जस्ट कीप इट इन योर माइंड। देखो कभी भी अगर आप बैठे हो लेक्चर्स में तो कीप अ पेन पेंसिल और बुक विथ यू। वेदर आई एम सेइंग दैट कि ये इंपॉर्टेंट है देन यू जस्ट रिकॉर्डेड ओवर दैट कि मैडम ने ये कहा था। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 143 ऑफ अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। द प्राइमरी ड्यूटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट टू द ओनर दैट अ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ थ्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अ कंपनी अफेयर एज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द प्रॉफिट एंड द कैश फ्लो ऑफ द ईयर सच अदर मैटर मे बी अ प्रिस्क्राइब। यानी उसको जो भी चीजें उसने दिया था आपको रिकॉर्ड, कौन कौन से रिकॉर्ड दिया था ओनर्स ने, ओनर्स ने हमको दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद कैश फ्लो का, वो जो भी प्रेस्क्राइब है ठीक है वो राइट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ये पहले हमको चेक करना है। देखो अगर आज मैं आपके पास कोई भी चीज लेके बैठूंगी तो मुझे पता होना चाहिए आपके पास नोट्स परफेक्टली है या नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं, आपको गाइडलाइंस प्रॉपरली मिले या नहीं, ये तीन चीजों का कंसेप्ट मुझे बेस देना होता है। तो वैसे ही प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है एज अ ऑडिटर का, कि जब वो किसी कंपनी के अंदर ऑडिट के लिए जाएगा दे हैव टू बी नो द थ्री डॉक्यूमेंट कीप इन हैंड। कौन से तीन डॉक्यूमेंट उसको अपने हाथ में रखने पड़ेंगे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि पूरे साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना पैसा, कैश फ्लो से पता चलेगा कि पैसों की रनिंग किस तरह से चल रही है। इज दिस क्लियर, इट इज विजिबल टू यू, इजिली विजिबल? रुक्मणी आपको ये दिख रही है बेटा, कि मैं और जूम कर दूं? रुक्मणी रीटा क्लियर मैम, ओके फिर आ जाते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पे। हाँ देखो बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्ट एज पर द सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर को अपने पास सब में पहला ऑडिटिंग करने के लिए टेबल पे बैठने के लिए ऑडिट करने के टेबल पे बैठने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सब में पहले उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगेगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट लगेगा। ये तीन स्टेटमेंट को लेकर हम क्या करेंगे, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इज दिस क्लियर? और जूम कर दूं? अभी ठीक है भैया? इज दिस क्लियर? आप लोग बेफिक्र होकर मुझे बता दीजिए कि क्या क्या चीजों का, बिकॉज आपको ये चीजें क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंसिडेंट, अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी। इट इज कॉल्ड सो द इंसिडेंट ऑफ अ ऑब्जेक्टिव एज इट इज इंसिडेंशियल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट टू इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग।
देखो ये क्या चीजें हो जाती इंसिडेंटली, यानी हमने सोचा भी नहीं होता था कि ये चीजें ऑडिटर जो है कभी ऑब्जर्व कर पाएगा। कोई को ऑडिटर एकदम सिंपल दिखता है, लेकिन वो जब ऑडिट करने बैठता है तो वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ अ फ्रॉड देखेगा, एरर देखेगा, ये सारी चीजें देखेगा। डिटेक्शन ऑफ अ मटेरियल का फ्रॉड हो रहा है, एरर एंड इंसिडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट एंड फ्लो, ये चीजों में देखो। मतलब क्या, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या था कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, अब उसकी ड्यूटी बढ़ गई, पेपर वर्क सामने आ गया। पेपर वर्क सामने आने के बाद उसका काम क्या है? उसका काम है कि कहाँ पर कुछ फ्रॉड हो रहा है क्या, कहाँ पे कोई एंट्री में एरर आया है क्या, कहाँ पे कोई मटेरियल का फ्रॉड दिखाई दे रहा है क्या पेपर वर्क के थ्रू से। इंसिडेंटली ऑब्जेक्ट इन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग फ्लो, वो कैसे पता चल जाता है कि बाबा ये महीने में अगर 10,000 का सेल हो रहा है, पिछले नेक्स्ट मंथ में भी 10,000 का सेल हो रहा है, तो थर्ड ईयर में जाने के बाद अगर वो आदमी 10,000 के सेल की जगह हमको बता रहा है कि 6,000 का हुआ, फिर वापस से और लो होती जा रहा है। जब मार्केट में प्रोडक्ट जा रही है, मार्केटिंग में गुडविल अच्छा है, पैसा आ रहा है, तो गुड्स में तो कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट जो है वो हमसे छुपा रहा है, कुछ सेलिंग जो है वो हमसे छुपा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंसिडेंटली सामने आ जाती है, हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो ऑडिटर अपने माइंड में ऑब्जर्व करेगा वो बराबर से फ्रॉड को जो है रेक्टिफाई करके बताएगा। नाउ फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन अ ट्रू और फेयर, फिर वो देख लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है कि फेयर है। ओके, अब उसके बाद उसका सेकेंड इफेक्ट किस पर जाएगा, द स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट। देखो ये जो ऑडिटर के पास जो जाता है ना, तो वो अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट जो है, एंड ऑडिटर शुड बी बियर द माइंड इन पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग द फ्रॉड ऑफ एरर। ठीक है, वो सब में पहले क्या देखेगा कि मेरा जो है, मतलब ऑडिटर पहले तो उसका काम क्या होता है, फ्रॉड और एरर का है वही ढूंढ के लिखाना। सिंस में कॉजेज अ फाइनेंशियल पोजिशन मीन स्टार्ट मिस स्टार्टेड, या फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं ये क्या, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द इंटरेक्शन डिसिप, यानी जो चीजें हमको बता रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। फ्रॉड कैन टेक प्लेस फ्रॉम द मैनिपुलेशंस अकाउंट, कहीं मैनिपुलेशन यानी उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अ कैश, कैश के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अ गुड्स, पहले तो क्या हुआ था कि हम उसके साथ कोई मतलब झोलझाल तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कैश के अंदर कुछ चीजें कम ज्यादा तो नहीं हो रही, उसके बाद गुड्स के अंदर कुछ चीजें कम ज्यादा हो रही है नहीं हो रही है, दैट काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड वी शुड हैव टू बी किप। इट इज फॉर द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ऑडिटर टू डिटेक्ट एनी फ्रॉड, ये क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है ऑडिटर टू डिटेक्ट अ फ्रॉड एंड प्रिवेंटिंग दिस रेस्क्यूनेस, यानी वो जो भी ऑपरेशन के लिए गया है, मतलब किसी का ऑपरेशन मतलब ऑडिट का ऑपरेशन, एरर फॉर द इंटीमेशनल मिस्टेक्स एंड फाइनेंशियल स्पॉन्ड, यानी सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वो क्या बताना चाहता है कि पेपर वर्क वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, अब उसको देखना है कि बाबा इसके अंदर रियली फ्रॉड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे गलती आ रही है, कैश में गलती आ रही है, गुड्स में गलती आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके गलती आ रही है, सो दैट काइंड ऑफ अ चेंजेस वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन द मैटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट रीटा, रुक्मणी? ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके सो ये था आज का हमारा ऑडिटिंग के बेस पर जो था ना, अभी मैं आपको एक स्क्रूटिनाइज, देखो ये सारे कंसेप्ट है ना, देखो हम लोग को 11th और 12th का बेस है, ठीक है, 11th और 12th का बेस है, क्यों? क्योंकि टॉपिक में हम लोग को पूरे 11th और 12th के आ रहे हैं। अभी स्क्रूटिनाइज करना, तो एरर एंड रेक्टिफिकेशन 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, तो वो एरर एंड रेक्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वही चीज हमको उठाकर क्या करना है, यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर चेक करना है। उसके बाद कॉस्टिंग का जो है अलग क्राइटेरिया, वराइंस वगैरह को लेकर वो जो चीजें अलग हो जाएगी। ऑडिटिंग के अंदर और दो चार पॉइंट है जो मुझे आपको नेक्स्ट लेक्चर कर लेना पड़ेगा,
मैम ऑडिटर को सीए बोला जाता है। इट इज नॉट कंपलसरी बेटा, ऑडिटर सीए हमेशा चार्टेड अकाउंटेंट ही नहीं करेगा, उससे ज्यादा क्वालिफाइड जो पर्सन होता है, ICAW भी होता है, कंपनी का चार्टेड अकाउंट भी होता है सेपरेटली, तो वो ऑडिट करता है। कभी कभी कंपनी जो है एक 10 साल के लिए 15 साल के लिए सीए के साथ एक एग्रीमेंट बना लेती है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ही बनाओगे, और गवर्नमेंट के ऑथराइज जो होते हैं उसको कभी कभी ऑर्गेनाइज करने आते, चेक करने आते, स्क्रूटिनाइज करने आते, दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड और वो एक्सपीरियंस होते हैं। तो वी आर नॉट सेइंग डेट कि सीए ही ऑडिटर होगा, ऑडिटर के लिए 3 क्राइटेरिया होता है, इज दिस क्लियर? पहला तो बेसिक कंसेप्ट है कि वो सीए होना चाहिए, सेकेंड है कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज होना चाहिए, थर्ड है कि वो उसको कंपनी जो है उसको कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती ऑडिटर को, वो जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ होगी तो गवर्नमेंट भेजेगी जैसे इंस्पेक्शन के लिए, या बोर्ड एग्जामिनेशंस होता है तो उसके साथ एक ये आता है गाइड के लिए आता है कि बाबा सही जा रहा है या नहीं, ठीक है, सुपरविजन के पास एक आता है ना जिसे हम क्या कहते हैं गाइडर जैसा, जैसा वो ऑब्जर्व करने के लिए आता है, तो वो टाइप और एक का हो जाता है हमारा ऑडिटर। इज दिस क्लियर? वो चार्टेड अकाउंटेंट के एक्सपर्ट ही होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? रुक्मणी रीटा रुक्मणी मंजू कहाँ हो आप तीनों? इज दिस क्लियर? आज भी राबिया ज्वाइन नहीं की, इज दिस क्लियर फॉर द राबिया? ओके, रीटा को क्लियर है, रुक्मणी को क्लियर है, मंजू को क्लियर है। ओके, सो आज हम लोग जरा जो है यहीं तक लेंगे, ताकि आप लोग मतलब ये कैसा थ्योरेटिकल पार्ट है तो ओवरडोज हो जाएगा, तो आप लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे। छोटा सा ही टॉपिक है ऑडिटिंग का, इसके अंदर ही छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे, तो कल जो ज्वाइन नहीं किए वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो ये हम लोग क्या कर लेंगे इसको वापस से दोबारा से ये कर लेंगे। अच्छा, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे आप लोगों को, मिल चुके? मे बी शी इज फेसिंग सम हेल्थ इश्यू और वॉट, आई डोंट नो, और आई डोंट हैव अ परफेक्टली नंबर विथ हर, सो मुझे नहीं पता कि उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या क्यों क्या इशू आ रहा है उसको। एनी डाउट? बच्चा मैंने कल नाइट में कुछ 12:30 बजे अपलोड किया था, 12-12:30 बजे अपलोड किया था, और इसमें डाल दिया था, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, मैंने अनाउंसमेंट में भी डालना था कि आप लोगों को पता चल जाए कि नोट्स अपलोड हो चुकी है। नोट्स, जो नोट्स है वो आज अपलोड नहीं होंगे, कल पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद मैं आपको क्या करूंगी, नोट अपलोड कर दूंगी। क्लियर फॉर एवरीवन? ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे खाली इंग्लिश कंटेंट नहीं देना होता है डियर, मुझे आपको इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, तो ये जो बेसिक नोट्स है ना, तो बेसिकली आपको ये सब चीजें प्रॉपरली मिलनी चाहिए, इट इज माई इंट्यूशन। ओके, एनीवन एल्स? रुक्मणी मंजू रीटा, किसी को डाउट है तीनों में से यहां तक के पोर्शंस में? देखो अभी हमारे क्या बच्चा, मैंने प्रिंसिपल क्या थे वो सब नहीं है, एविडेंस देना, ये रिव्यू करना, अकाउंटेंट वेरीफाई करना, बेनिफिट ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन है, इन्वेस्टिगेशन मीनिंग इन्वेस्टिगेशन को देखना, बस 3 पॉइंट आपके और बचे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट में स्टैचुरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, मैंने आपको बता दिया, टैक्स ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, कॉपरेटिव, यानी अब ये ऑडिट के फंक्शंस कौन कौन से, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है। मैम अकाउंट में कॉस्ट मैनेजमेंट ये सब नहीं, पढ़ाई
पढ़ाएंगी, पढ़ाऊंगी ना मेरा बच्चा कॉस्ट मैनेजमेंट का पूरा, एक मैनेजमेंट का जब टॉपिक आएगा ना तो उसके अंदर कॉस्टिंग भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट अकाउंट में। मेरा बेटा 10 यूनिट है, 10 यूनिट, ये बेसिक अकाउंटिंग एंड ये था ऑडिटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था। तो अकाउंटिंग के अंदर बेसिक आपको ये नीड्स है, अभी एचआरएम बाकी है, उसके बाद एचआरडी बाकी है, उसके बाद मैनेजमेंट बाकी है, उसके बाद कॉर्पोरेट बाकी है, सिंपल है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ वाले। ये यूनिट 2 के अंदर पहले इतना पार्ट आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद कॉर्पोरेट और कॉस्टिंग, कॉस्टिंग अकाउंट आपका, देखो मेरे पास यूजीसी नेट का बुक है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्टनरशिप हो गया, कॉर्पोरेट है, होल्डिंग कंपनी है, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बनेगा। मुझे पहले ऑडिटिंग का पार्ट जो था ना वो क्लियर करना था ताकि आपके पास नोट्स मिल जाए। अब उसके बाद रेशियो एनालिसिस बाकी है, एचआरएम बाकी है, और ऑडिटिंग एंड ट्रेन एनालिसिस बाकी है, बजटरी कंट्रोल बाकी है, बजटरी कंट्रोल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बाकी है, तो एबीसी बाकी है, एक्टिविटी बेस ऑफ कॉस्टिंग अकाउंट, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो इजी इजी पार्ट है ना डियर, जिसको हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मुझे पहले आपको करके देना है। तो पहले मैं अकाउंटिंग में, इट इज नॉट कि आपका पूरा 2 यूनिट जो है एक मतलब इतने में खत्म हो जाएगा, या आपका यूनिट 1 का बेसिक अकाउंटिंग हो गया और अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग का जो पार्ट था वो ऑडिटिंग का पार्ट छोटा सा था तो मैंने ऑडिटिंग का पार्ट पहले ले लिया। अब ऑडिटिंग में कल का जो लेक्चर है तो टाइप्स ऑफ ऑडिट आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट को किस तरह से ऑडिट किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से ऑडिट किया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह से ऑडिट किया जाता है, मैनेजमेंट सेक्टर को किस तरह से ऑडिट किया जाता है। यस, इट इज ऑल्सो द रेशियो एनालिसिस ऑल्सो इज द चैप्टर ऑफ द, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है थियोरी ऑफ अ कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी जो थियोरी आ जाती है ना वो थियोरी वाला पार्ट। जैसे फर्स्ट लेसन में बिजनेस मैनेजमेंट में थियोरी का लेसन था, उसके बाद कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, वो वर्टिकल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग इतना छोटा नहीं है डियर। हायर परचेज का एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी बता दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हायर परचेज का ज्यादा नहीं आता है यूजीसी नेट में, बट बेसिकली अगर हायर परचेज क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसके अंदर आपको है ना कैश फ्लो, फंड फ्लो, कंपैरेटिव असेसमेंट, रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आ जाएगा आपका एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद आता था ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग बहुत सिंपल और छोटा सा, मतलब ऑडिटिंग यानी 1-2 दिन के लेक्चर था, तो मुझे ऑडिटिंग 2 दिन के लेक्चर को आपको कंप्लीट करके देना था। अभी कल अगर ऑडिटिंग पूरा हो जाता है देन एज ऑन सैटरडे वापस से हम किस पे करेंगे, अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके स्टार्ट करेंगे, वर्टिकल स्टेटमेंट्स के साथ और हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट कैसे बनाते मैंने आपको बता दिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हाँ, इतना सा कैसे बता दूं डियर, ये यूजीसी नेट की स्टडी है, कोई हम लोग बेसिकली यानी छोटे सा क्लास नहीं ले रहे डियर, बहुत है, बट कैसा है कि कभी कभी हम ऑब्जर्व कर पाते कभी नहीं कर पाते। तो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल को लेके कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट थे, गुडविल पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर, इज दिस क्लियर, वो हमने देख लिया। अभी और भी है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग भी पूरा बाकी है, कॉस्ट मार्केट कैसा किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, शॉर्ट टर्म रन का कॉस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म रन कॉस्ट क्या है, उसके बाद कॉस्ट के फंक्शन क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, यू शेप एसएससी कर्व क्या है, बहुत ज्यादा है, अभी मंजिल दूर है बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले क्या कर लिया, अकाउंटिंग ए ए ए ए कर लिया, अभी फिर जाएंगे हम सी पर, समझा, कॉस्ट अकाउंटिंग पे, फिर जाएंगे एच पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जा रहे हैं। लिफो मेथड, फीफो मेथड, ये सब भी यस बहुत है। लिफो मेथड, फीफो मेथड बहुत इजी है। फर्स्ट देखो, फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो लास्ट में आया उसको पहले निकाल देंगे, यानी हम लोग को उल्टा जाना है, लिफो मेथड में हमको उल्टा जाना है, फीफो मेथड में सीधा जाना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ कि मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा जून में, फिर 20,000 के गुड्स खरीदे जुलाई में, फिर 30,000 के गुड्स खरीदे अगस्त में,
तो मैंने 10,000 जून में खरीदा, 20,000 जुलाई में खरीदा, 30,000 का अगस्त में खरीदा। अब मुझे, मैंने जून की एंडिंग, जुलाई की एंडिंग में मुझे अगर सेल करना है, ठीक है, तो जुलाई एंडिंग में अगर मैं सेल करने जा रही हूँ, तो मैं पहले कौन से गुड्स में सिलूंगी जो मैंने जून से लिया था, जून का स्टॉक क्लियर करूंगी, फिर जुलाई का स्टॉक क्लियर करूंगी, देन इफ वी नीड फिर मैं अगस्त का स्टॉक क्लियर करूंगी। ओके, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, जो मेरे पास लास्टली मैंने खरीदा है पहले उसको हटा दूंगी, फिर उसको हटा दूंगी, ऐसे। तो ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है, देखो हमको वहां सामने ही सॉल्व करना है, लेकिन एक सम को मैंने बताया ना कि वो जो थियोरिटिकल प्रैक्टिकल जो पार्ट है ना, मुझे प्रैक्टिकल पार्ट आपको इसके लिए थोड़ा सा मैंने वहां पर ले लिया, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको पेन का यूज ज्यादा करना है, उसके अंदर मुझे एक आपको पूरा एक स्ट्रक्चर जो है आपको ये देना है, मुझे सम का देना है, एक सम वाइज मुझे सॉल्व करना है। जैसे हमने गुडविल का सम कर लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का सम किया, उसी तरह मुझे आपको ये सम करके बताना पड़ेगा, तब आपको मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि जब तक कोई भी चीज जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है, ऑलवेज रिमेम्बर्ड है, हम थ्योरेटिकल कितना भी कर ले, जब तक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारा थ्योरेटिकल करके कुछ भी यूज नहीं है। आप रट्टा नहीं मार सकते, अकाउंट एक ऐसी कंसेप्ट है जहां पर आप पढ़कर पास नहीं हो सकते, वहां पर आपको प्रैक्टिकल में उतरना कंपलसरी है, प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन देखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? लीफो मीफो वेटेड मेथड भी होता है मैम, टाइम लगेगा ठीक है, बट ऐसे ही पढ़ाइएगा प्लीज मैम। यस, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, फोर टाइप, आप बिल्कुल भी कोई टेंशन ना लें, जो भी चीजें होगी, जो भी चैप्टर लगेगा, जहां पे हमको लगेगा कि ज्यादा लेक्चर लेने हैं, देन वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यू फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, डोंट यू वरी। हम लोगों का 1 महीने के अंदर हमारे पास अभी भी 1.5 महीना अवेलेबल है, सो यू डोंट वरीड अबाउट दैट कि हमारा जो क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा कि नहीं, मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगी मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, एंड इट इज माई ड्यूटी हाउ टू कम्प्लीट अ पोर्शन इन द 1 मंथ। सो मुझे एक स्टेप मैंने बना के रख दिया, बट आई नीड योर सपोर्ट कि अगर आप लोग रहोगे सामने, ठीक है, तो मुझे जितने भी आपके डाउट्स है वो ऑन द स्पॉट क्लियर करने मिलेंगे। और अभी फास्टिंग का मंथ होने की वजह से मैं आप लोगों को 8 o'clock से 1 1 आवर का लेक्चर ले पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो द वर्क। एक 15 डेज के बाद से जो है हमारे 2 आवर्स की लेक्चर क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर जा रहे हैं। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बेस समझ में आ जाए, अगर आपको बेस समझ में आ गया सो यू कैन बी जम्प अहेड। ओके, आप आगे जा सकते हो, ठीक है, हमारी जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं पे समाप्त होते हैं हम, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, छबक है फॉर यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वाले नोट्स आज नहीं मिलेंगे आपको, कल एक बार ऑडिटिंग का कंसेप्ट पूरा होने के बाद में मैं आपको ऑडिटिंग का डाल दूंगी, ठीक है। ये भी जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ आठ गए हैं ना, उसी तरह अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ आठ लेक्चर हमारी जाएगी जाएगी, ठीक है, डोंट यू वरी। ओके डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन टाइम, थैंक यू सो मच, बाय।